ब्रेन में किसी प्रकार की कोई इंजरी हो जाने से या किसी कारण से वहाँ ब्लड क्लॉट हो जाता है तो उसे कैसे रिमूव किया जाता है, आइए 3D एनिमेशन में से जानते हैं। इसमें सबसे पहले पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया जाता है, फिर कैप्चर वैस्कुलर मेगावैक की मदद ली जाती है जो कि शरीर में किसी भी पार्ट के ब्लड क्लॉट को रिमूव कर देता है। यह ब्लड क्लॉट रिमूवल के लिए यूज किया जाता है। जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं कि इसे नसों के थ्रू ब्रेन तक पहुंचाया जाता है, फिर क्लॉट वाली जगह पर पहुंचकर क्लॉट को खींच लिया जाता है। ब्रेन के क्लॉट को रिमूव करना काफ़ी रिस्की होता है, इसमें पेशेंट कोमा में भी जा सकता है। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।